सदगुरु यूट्यूब पर आपके एक वीडियो में आपने अपने एक अनुभव के बारे में बताया है जब आपने नाक का विष पी लिया था और आपने कहा कि उस समय आपका एक हिस्सा नींद महसूस कर रहा था जबकि दूसरा हिस्सा महसूस कर रहा था कि आपके अंदर तेज चमक आ गई है तो चरस या गांजे जैसे दूसरे कुदरती नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में आपकी क्या राय है क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि गांजे के सेवन से कई मेडिकल फ़ायदे हैं मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए हैं, है ना जब लोग बीमार होते हैं तब हम मेडिकल फायदों की बात करते हैं ना कि तब जब वे स्वस्थ होते हैं है ना तो आ, मुझे खुशी है कि आपने थोड़ी रिसर्च की है उस नाक के विष वाली चीज पर हम रोजाना नाक का विष नहीं पीते कई बार हम रोजाना पारे का सेवन करते हैं मगर वो नशे के लिए नहीं है ना ही हमें नशे के लिए नाक के विष की जरूरत होती है मेरी आंखों में देखिए ये हमेशा नशे में चूर होती हैं। really, अपना सिर नीचे मत कीजिए मेरी ओर देखिए, मैं हमेशा नशे में होता हूं मैंने मैंने कभी कोई नशीला पदार्थ छुआ भी नहीं मगर क्या ये सच है कि ये इंसानी सिस्टम दुनिया की सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री है? हेलो तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं तो आप जो चाहे इसे पैदा कर सकते हैं खैर एक इजरायली वैज्ञानिक था आपने उसके बारे में सुना होगा क्योंकि आपने इस पहलू पर काफी रिसर्च की है वो गांजे और न्यूरोलॉजिकल प्रणाली पर उसके असर के बारे में रिसर्च कर रहा था उसने अमेरिका में अपना शोध शुरू किया उसके लिए उसे हर साल करीब पंद्रह किलो गांजा मिल रहा था करीब बारह तेरह साल तक उसे यह मिला उसने कोई नतीजा नहीं निकाला नाइनटीन के दशक में जब अमेरिकी ड्रग एजेंसियां वे एजेंसियां जो ड्रग की तस्करी और ऐसी चीजों के खिलाफ काम कर रही थीं, उन्होंने सप्लाई करने वालों को नहीं बल्कि बाजार को निशाना बनाने की सोची तो पुलिस गली गली में कार्यवाही कर रही थी उस समय पुलिस और एजेंसियों ने कहा इस आदमी को हर साल तेरह किलो गांजा मिल रहा है हर साल हमें इसकी तरफ से कोई पेपर भी नहीं मिला है इसे बंद कीजिए उन्होंने सप्लाई बंद कर दी फिर वो इसराइल चला गया और दिखाया कि उसने अब तक क्या किया है और वहां उसे उसकी मनचाही मात्रा में गांजा दिया गया लगभग साढ़े चार सालों में उसने निष्कर्ष निकाला उसने कहा हमारे दिमाग के अंदर गांजे के लाखों ग्राहक बिंदु हैं मगर क्यों तो उसने यह सूचना अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों तक पहुंचाई ये पता करने के लिए कि इंसानी दिमाग में लाखों गांजे के ग्राहक बिंदु क्यों हैं स्वाभाविक रूप से मानव वैज्ञानिकों ने कहा शायद किसी समय सारी मानव जाति धूम्रपान करती थी मगर यह संभव नहीं है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में यह पैदा नहीं होता मगर वहां भी दिमाग वैसा ही है कई चीजें होने के बाद दुनिया भर में इस बारे में कई मजेदार चीजें हुई फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि दिमाग आपसे शरीर के भीतर ही ऐसे केमिकल्स पैदा करने की उम्मीद करता है वो आपसे धूम्रपान की उम्मीद नहीं करता यह आपसे वो पैदा करने की उम्मीद करता है ताकि आप हर समय अपने मूड को संतुलित रख सकें मगर ज्यादातर इंसान निकम्मी केमिकल फैक्ट्री बन गए हैं या वे बस एक शानदार फैक्ट्री को मैनेज करने वाले घटिया सीईओ बन गए हैं तो उन्होंने बाहर से नशा लेना शुरू कर दिया है यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है मगर बात यह है कि इस बारे में ठोस अध्ययन है जिन्हें उन कार्यकर्ताओं द्वारा दबाया जा रहा है जो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं यह दिखाने के लिए ठोस अध्ययन है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपके दिमाग के कुछ खास आयाम खासकर निर्णय लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है अगर आप तीस दिन तक गांजे का सेवन करते हैं अगर ऐसा चार से पांच साल तक चलता है आपकी निर्णय लेने की क्षमता साफ तौर पर प्रभावित होती है इस तरह के दिमाग के साथ अगर आप अदालत जाते हैं और मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला वकील मुझे मिले मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला सर्जन मेरा ऑपरेशन करे अगर वो बस गली के कोने में गांजा पी रहा है और किसी को कुछ नहीं कर रहा है तो वो उसकी समस्या है मगर मैं निश्चित रूप से नहीं चाहूंगा कि मेरा सर्जन गांजे का सेवन करके मेरी सर्जरी करे हाँ या नहीं क्या आप चाहते हैं ना ही मैं ऐसे ड्राइवर चाहता हूं क्योंकि मैं एक खास गति पर गाड़ी चलाता हूं मैं नहीं चाहता कि नशा करने वाले दूसरे ड्राइवर मेरे साथ गाड़ी चलाएं मैं नहीं चाहता न ही मैं अपने लिए ऐसा ड्राइवर चाहूंगा अगर कभी मैं गाड़ी में पीछे बैठूं जो नशा करके गाड़ी चला रहा हो अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है मगर हम ऐसा नहीं चाहते अधिकांश लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा तो हम दरअसल मनोरंजन की खोज में है हमने इसे ऐसा बना दिया है इसका मतलब दरअसल यह है कि आज लगभग सत्तर फीसदी अमेरिकी आबादी दवाओं पर है बाकी दुनिया उनके पास पहुंचने की कोशिश में है हाँ, बाकी दुनिया उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है लोग कम उम्र से ही दवाइयां लेना शुरू कर रहे हैं बाकी तीस फीसदी निश्चित रूप से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं सिर्फ गांजा ही क्यों लें? हम थोड़ी कोकेन क्यों ना ले लें क्योंकि वो ज्यादा जबरदस्त होती है क्यों कोई बात नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए कोई नैतिक मुद्दा नहीं है सवाल ये है कि आपके जीवन को बेहतर बनाएगा या उसे दबा देगा ये आपको पूरी तरह आपका जीवन जीने देगा या आपको उसके मुकाबले एक सीमित जीवन बना देगा जैसे आप अभी हैं या हो सकते हैं आप जो कर सकते हैं उससे कम कुछ भी इस जीवन में नहीं होना चाहिए चाहे वजह कुछ भी हो आपके नजरिए या तनाव या ड्रग या किसी भी वजह से आप जितना हो सकते हैं उससे कमतर इंसान आपको नहीं होना चाहिए आपको जीवन अधिकतम ऊंचाई पर ले जाना चाहिए क्योंकि इस जीवन में सब कुछ बस यही है कि आपके जीवन का अनुभव कितना तीव्र और गहरा है बस यही महत्वपूर्ण है और अगर आधे समय आप होश में नहीं रहेंगे तो इस संभावना को आप खो देंगे आप बस यहीं बैठकर नशे में चूर हो सकते हैं no. वाकई है। सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूं मैं कई लोगों के साथ ऐसा करता हूं हजारों लोग सिर्फ यहां बैठकर परमानंद में होते हैं मैं रोज सुबह आपको लाखों लोग दिखा सकता हूं जो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों में परमानंद के आंसू बहते हैं क्योंकि एक तरीका है एक तरीका है इस शरीर को सक्रिय करने का क्योंकि इस धरती पर इससे जटिल केमिस्ट्री नहीं है हाँ या नहीं क्या आप मुझसे सहमत हैं जब सब कुछ यही है तो इसका इस्तेमाल करना सीखना सबसे अच्छा है अगर हम अपने जीवन की शुरुआत में थोड़ा समय खुद पर लगाएं तो बहुत ही आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं इसकी जगह अगर हम बाहरी चीज़ें लेते हैं तो उसके बुरे नतीजे हम जानते हैं देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा तो खबरों से अपडेट घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति खेल मनोरंजन लाइफ और तमाम दुनिया भर की खबरें न्यूज 360 डिग्री टीवी 24 फोर इंटू सेवन लाइव टीवी ब्रेकिंग बाउंड्रीज